है। संदीप जी एक एक आप खाने के तेल की एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले सोया तेल के बारे में बताइए, क्या लग रहा है, क्या आउटलुक है 2024 को लेकर? देखिए जनाब, 2023 ये बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ईयर रहा है। इस साल में हमारा एडिबल ऑयल का कंजम्पशन 10% बढ़ा है, ये बहुत खुशी की बात है। टोटल इंडिया का कंजम्पशन तो 235 लाख टन हुआ करता था, वो 260 लाख टन हो गया है, क्योंकि कंज्यूमर को 10 साल के लोएस्ट प्राइस में तेल मिल रहा है। वर्ल्ड ओवर वेज ऑयल की कीमतें बहुत लो है और गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी भी बहुत लो रख रखी है 5.5% फूड पे। ये दोनों कारण से ये वेज ऑयल की भरमार हमारे यहाँ है, गंगा बह रही है और कंज्यूमर के लिए पार्टी है। -17% हमारा वेज ऑयल का इन्फ्लेशन में नंबर आ रहा है, सो ये बहुत बड़ी बात है और इसकी इंडस्ट्री को खुशी है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, हम सप्लाई कर पा रहे हैं। और जहाँ तक अलहर तेल का सवाल है, सोयाबीन ऑयल का तेल का सवाल है, सोयाबीन ऑयल का प्रोडक्शन देखिए इंडिया में तो आप समझ के चलिए हमारा प्रोडक्शन 100 लाख 110 लाख के बीच में चल रहा है। ब्राज़ील में प्रोडक्शन ये साल पहले अनुमान था कि 1650 लाख टन होगा, लेकिन अभी अनुमान हो रहा है 1550 लाख टन का। तो ब्राज़ील में 100 लाख टन का प्रोडक्शन कम गिना जा रहा है जो इंडिया का कुल प्रोडक्शन है। अर्जेंटीना में लेकिन ये साल प्रोडक्शन बढ़ के आने वाला है, 240 लाख लास्ट ईयर ड्राउट ईयर में अर्जेंटीना का प्रोडक्शन था, ये साल 480 से 500 लाख टन अर्जेंटीना का प्रोडक्शन होगा। फिर दो कंट्री यूरोपीय और पैराग्वे, दो कंट्री और है साउथ अमेरिका में, उन दोनों में मिला के आप समझ के चलिए करीबन 130 लाख टन का प्रोडक्शन होगा। तो वर्ल्ड ओवर लास्ट ईयर से करीबन 250 लाख टन एडिशनल सोयाबीन का प्रोडक्शन होने वाला है और वो हमें अच्छा सोयाबीन ऑयल की अवेलेबिलिटी कराएगा। और उसको देखने में हमने देखा सोयाबीन ऑयल की कीमतें इन दिनों में काफ़ी नीचे आई हैं, जो ऊपर पीक में $1140 थी वो अभी $935 हो गई है, $205 नीचे सोयाबीन की कीमत आई है पिछले दो महीने में। एंड ये साल सोयाबीन बड़ा कॉम्पिटिटिव तेल रहेगा और सोयाबीन का इंडिया में कंजम्पशन बढ़ेगा ऐसा हमारा ख्याल है। लास्ट ईयर इंडिया ने इम्पोर्ट किया था सोयाबीन का 34 लाख टन, ये साल सोयाबीन का इम्पोर्ट 38-39 लाख टन तक बढ़ने का हमारा अनुमान है। सो सोयाबीन एक, लेकिन सोयाबीन में आपको देखना होगा कि बायोडीजल में सोयाबीन बहुत कंज्यूम हो रहा है अमेरिका में और अर्जेंटीना में और ब्राज़ील में और यूरोप में भी, तो वो सोयाबीन का जितना वर्ल्ड का प्रोडक्शन है उसका मोर देन 25% 30% तेल बायोडीजल में चले जाता है, फूड यूज के लिए बाकी 70% ही बचता है और 70 में भी जो बचता है वो बड़ी बड़ी कंट्रियों में ओन कंजम्पशन हो रहा है। सोयाबीन ऑयल का वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट जो है वो 100 से 110 लाख टन ही है, उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट नहीं है सोयाबीन ऑयल का। और वो 100 110 लाख टन के वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट में इंडिया है 38-39 लाख टन इम्पोर्ट करेगा, तो इंडिया का शेयर करीबन 35% वर्ल्ड का एक्सपोर्टेबल सोयाबीन ऑयल में इंडिया इम्पोर्ट करेगा। सो इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है सोयाबीन ऑयल के लिए और इंडिया की बाइंग जो होती है, इंडिया ने 1 लाख टन तेल खरीद लिया तो वहाँ अर्जेंटीना में अमेरिका में सोयाबीन ऑयल के भाव $10-15 बढ़ जाते हैं, इंडिया शांत बैठा है तो वहाँ बाजार नीचे आ जाता है। तो इंडिया का बहुत बड़ा महत्व है सोयाबीन ऑयल की इकोनॉमी में वर्ल्ड आउट। ओके बिल्कुल, उसे हम आगे चर्चा भी करेंगे कि जिस तरह से प्राइसेस भी नीचे की तरफ आए हैं और पाम और सोयाबीन का जो ये प्राइसेस एक रेंज में एक नैरो होता जा रहा है, जो डिफरेंस था ना वो काफी कम होता जा रहा है। मुझे राय चाहिए संदीप जी, पाम तेल को लेकर क्या आउटलुक है, क्या लग रहा है, क्या दाम आगे यहाँ से पाम के बढ़ने वाले हैं, सप्लाई की स्थिति क्या है, क्या मलेशिया की जो सप्लाई है वो क्या स्थिर रहने वाली है, इंडोनेशिया से कुछ बढ़ेंगे तो दाम किस तरफ जाएंगे और ये कब तक तेजी की संभावना लग रही है और कहाँ से नरमी आएगी पाम तेल में? देखिए पाम तेल में, मैं सिंगापुर में ही हूँ और मैं सब पाम के प्लांटेशन बड़ी बड़ी कंपनियों से 2-3 दिन से मुलाकात कर रहा हूँ और अब सबका व्यू ये है कि पाम का प्रोडक्शन जो है जनवरी से मार्च में घटने वाला है, उस कारण से पाम पे सेलिंग प्रेशर नहीं जनरेट हो रहा है। और जो डिमांड भी स्लो है लेकिन प्रोडक्शन ना कम होने के कारण में सेलिंग प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है, इस कारण से हमको दिख रहा है कि पाम जो है वो जैसे आज का प्राइस मैं आपको बताऊँ $880 CPO का लेवल है CNF का, सोयाबीन ऑयल का लेवल चल रहा है $920 और सनफ्लावर का लेवल चल रहा है $900। तो पाम तेल सोयाबीन और सनफ्लावर के आसपास घूम रहा है, जनरली $100 से $150 डिस्काउंट हुआ करता है। वो कारण यही है कि जनवरी से मार्च में प्रोडक्शन घटने की संभावना है और पाम पे सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो हमें लग रहा है कि अभी इंडिया का पाम की तरफ इम्पोर्ट थोड़ा कम होगा जनवरी से मार्च में, और जब पाम का प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होगा अप्रैल मई से तब पाम का प्रोडक्शन बढ़ा है, इम्पोर्ट बढ़ेगा। जब तक हर महीने इंडिया का इम्पोर्ट 6 से 6.5 लाख टन ही होने वाला है जनवरी से मार्च में पाम का, और हमारा इम्पोर्ट सोयाबीन और सनफ्लावर का बढ़ेगा।
ये सामने हमें लग रहा है, और पाम की बैलेंस शीट थोड़ी टाइट है, ये हमको समझ के चलना होगा एंड उसके साथ सिचुएशन है। लेकिन एक बात और ज़रूरी है, यहाँ सबसे बात करने में ये पता लग रहा है कि पाम रिफाइनिंग में जैसे हमें इंडिया में डिस्पैरिटी हो रखी है, उसी तरह से इंडोनेशिया में भी डिस्पैरिटी हो रखी है, और मलेशिया में ठीक ठीक है, वहाँ कम से कम ब्रेक इवन हो रहा है। सो ये पाम रिफाइनिंग थोड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। अभी पाम प्लांटेशन पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए प्राइसेज अच्छी है, बट पाम रिफाइनरी इंडोनेशिया में भी पैसा नहीं कमा रही है, और इंडिया में तो कमा ही नहीं रही है, बिकॉज इंडिया में हमारे यहाँ सीपी और ओलिन जो है उसका ड्यूटी डिफरेंस इतना कम है, तो उससे, और ये जो ओलिन जो है $25 सस्ता सीपीओ से बेचते हैं यहाँ वाले, तो उससे इंडिया के रिफाइनरीज का मार्जिन नहीं आ रहा है, वो एक चिंता का विषय है, और उसके लिए गवर्नमेंट को सीपीओ रिफाइंड ऑयल में ड्यूटी डिफरेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, जो अभी 7.5% है। जैसे क्रूड ऑयल की ड्यूटी 5% है और रिफाइंड की 12.5% है प्लस सरचार्ज, तो वो 7.5% का गैप है, वो इनफ नहीं है इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए और मेक इन इंडिया करने के लिए, वो गैप को करीबन 15% करना ज़रूरी है, और ओलिन की ड्यूटी जो है 12.5% को 7.5% करने से ये हो जाएगा। ये बात हमने बहुत दिनों से गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर रखी है, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिला है, लेकिन हम गवर्नमेंट से वापस अपील करेंगे कि इंडियन इंडस्ट्री और मेक इन इंडिया कराने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इस पर गौर किया जाए। दूसरी बात, रेपसीड और मस्टर्ड में तो हमारे विजय भाई एक्सपर्ट है, मस्टर्ड किंग बोलते हैं हम उनको, और वो फसल की तरफ भी बहुत ध्यान रखते हैं और आउटपुट और प्रोडक्शन प्राइसेस पर भी ध्यान रखते हैं। तो इम्पोर्ट ऑयल का जहाँ तक सवाल है, सोया का मैंने आपको बता दिया, पाम का मैंने आपको बता दिया, सनफ्लावर का जहाँ तक है, सनफ्लावर ऑयल की अवेलेबिलिटी अच्छी है, रशिया, यूक्रेन, फिर रोमानिया, बल्गेरिया, मल्डोवा, अर्जेंटीना, सब जगह से हमें सनफ्लावर मिल रहा है और हम लोग इम्पोर्ट कर पा रहे हैं। हर महीने सनफ्लावर हमारा 2.5 से 3 लाख टन मिनिमम आएगा, कई कई महीनों में 3.5 लाख टन भी हो जा रहा है, तो शिपमेंट्स हमारे रेगुलर चल रहे हैं सनफ्लावर के। ये रेड सी का प्रॉब्लम बीच में थोड़ा आने से रशिया यूक्रेन से एंग्जाइटी बनी थी कि भाई उसको लेके वॉइस टाइम 10-12 दिन बढ़ जाएगा, ये डाइवर्जन करना पड़ेगा या शिपिंग कॉस्ट $25-30 बढ़ जाएगी, ये एक चैलेंज थोड़ा माइंड में है, लेकिन उसको देखना होगा कि रेड सी में और इंटेंसीफाई होता है क्या अटैक मिसाइल्स के और इसके ड्रोन्स के, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और होगा तो कॉस्ट $25 बढ़ेगी सनफ्लावर इम्पोर्ट की रशिया यूक्रेन से, यही ध्यान में रखने की बात है। तो जहाँ तक इम्पोर्टेड ऑयल का सवाल है, हमने लास्ट ईयर 165 लाख टन इंपोर्ट किया है 2023 में, कैलेंडर ईयर में 2024 में भी हमारा अनुमान है कि 163 से 165 लाख टन का इंपोर्ट होगा इस देश में, और लोकल प्रोडक्शन हमारा करीबन 95 लाख टन है, तो हमारा टोटल कंजम्पशन देश का 260 लाख टन होने वाला है। 2023 में 260 रहा, 2024 में भी 260 से 65 कंजम्पशन होगा, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कंज्यूमर को इंडस्ट्री और ट्रेड बहुत अच्छी क्वांटिटी में, बहुत रीजनेबल रेट में ऑयल सप्लाई कर पा रही है। ओके और ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। ओके बिल्कुल सही बात है, आपने पूरा समझा दिया, पाम तेल से लेके सोया और सनफ्लावर के बारे में भी समझा दिया कि स्थिति क्या है ग्लोबली। आप वायदा बाजार शुरू करने को लेकर आप क्या कहेंगे संदीप जी, आपका टेक, छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए हम तो फुली फेवर में है, और सनफ्लावर ऑयल का भी जो शुरू हुआ उसके हम पूरे साथ में थे, और विजय जी ने जैसे कहा है, सुधाकर जी भी पूरी वही व्यू वाले हैं कि भाई ये फ्यूचर्स मार्केट प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया का स्मॉल और मीडियम आदमी कर नहीं पा रहा है और अपने आप को इतनी वॉलेटिलिटी से हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो ये मार्केट शुरू होना बहुत जरूरी है, और हम होपफुल है कि इलेक्शंस के बाद में गवर्नमेंट इसको बहुत सिंपथेटिकली कंसिडर करके इसको शुरू करेगी, और ये पूरे जोश से शुरू होना जरूरी है इस देश में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब IVPH चैनल।